एफएम से। सर सवाल ये है कि 60s का 70s का जो खेल होता था, क्या वो साफ सुथरा होता था? उस वक्त फिक्सिंग वगैरह की बातें होती थी नहीं होती थी? क्योंकि इस समय जो भारत में दौर है क्रिकेट का या कोई भी खेल हो, कहीं ना कहीं इस तरीके की बू आती है, फिर पूरा खेल जगत बदनाम होता है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? ऐसे है कि मैच फिक्सिंग के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स बट इन अदर फील्ड आल्सो जेलसी हर जगह पे होती है। अब मैं अपने आप को बात बताता हूं कि ये 1955 की बात है, जब मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना था ओलंपिक गेम्स के लिए, तब की बात है कि जो लड़के मेरे से पहले 400 मीटर में फर्स्ट आते थे इंडिया के, उनको पता चला कि मिल्खा सिंह अब ऊपर आ रहा। उन्होंने क्या किया, रात को डंडे ले मेरी टांगे तोड़ने की कोशिश की, मेरे सिर को मारने, मुझे जान से मारने की कोशिश की। और हुआ ये कि रात को बैरक में सोए हुए थे, ये मेरे पे अटैक हुआ और वो लड़के मुझे मार के भाग गए। जब लाइट हाय हाय की आवाज आई, लाइट जली और देखा वो लड़के तो भाग गए। और कल ट्रायल थे हमारे, जाना था मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो मुझे मेरा कोच भी कहने लगा और डॉक्टर भी कहने लगा कि आपको बुखार है, आप मत दौड़िए। मैंने कहा नहीं जी, मैंने इतने साल मेहनत किया है, मैं दौड़ूंगा। क्योंकि उन लड़कों को मालूम था कि मिल्खा सिंह वहां फर्स्ट आएगा और ये सिलेक्ट हो जाएगा, हम रह जाएंगे, इसलिए इनकी टांगे तो। ये मेरी एथलेटिक में नहीं बल्कि हॉकी में भी ये होता है, हर चीज में। अब 1948 की आप ओलंपिक गेम्स की निकाल के देख लीजिए हिस्ट्री, के ऊधम सिंह हॉकी के बेस्ट प्लेयर थे, ऊधम सिंह की उंगली तोड़ी गई, किसने तोड़ी वो उसका नाम नहीं लूंगा। क्योंकि ये जेलसी हर फील्ड में है, चाहे कोई फिल्म लाइन में है, चाहे कोई किसी भी लाइन में है, हर आदमी, अब ये एक्टर अच्छा है, इससे और एक्टर जो होगा वो कहेगा मैं इससे अच्छा बन, क्या क्या चीजें वो करने की कोशिश करेगा, अब ये आप खुद समझ। तो इसलिए मैं आपसे ये कहता हूं हर फील्ड में जेलसी है, मगर मजा तब है, मैं ये कहता हूं कि मत घबराए इन तूफानों से, ये तो चलते हैं तुझे ऊपर उठाने के लिए, ये है ये आम आदमी का। और दूसरा शेर मैं इनको सुनाता रहता हूं, हमें हमेशा ये कहता हूं कि हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती। अगर आप ये सोचो किसी भी लाइन के अंदर, अगर आप ये सोचो कि आप जाके ज्योतिषी को ये हाथ दिखलाओगे और ज्योतिषी आपको बड़े से बड़ा आदमी बना देगा, मैं इस बात को नहीं मानता। वो शेर ये है कि हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती, अजम हमारा भी कुछ हिस्सा है जिंदगी बनाने में। अजम उर्दू का लफ्ज है, जिस आदमी के अंदर विल पावर है, जिस आदमी के अंदर हार्डवर्क करने का मादा है, वो जमीन से उठ के आसमान को छू सकता है। ये मेरी बात याद रखो, मेरे साथ एक मिसाल आपको बताना। दिस इज बेनीता फ्रॉम न्यूज़एक्स। The trailer was really mind-blowing. It actually blew us away the way it was actually, you know, when we saw it. But I saw Sonam being very emotional. There was tears coming out from her eyes. What was the entire thing like? Why were you crying? What made you so emotional? I think emotion makes you emotional. And you can see the emotion and you can see the blood, sweat and tears in it. So that's what made me emotional. Is there one memory or something that you saw in the trailer where, you know, you felt this is something which I'll never forget in my life, or something that, you know, made you actually cry? I think we have never seen you something like that. Never seen you so emotional ever. There was a shot of her from the last day of shoot for her. She got very emotional because she was reminded of the time she was leaving the crew. Very, very touching moment for her. Sonam, ek sawal hai, Sonam se ek sawal hai. आपने इस फिल्म के लिए कहा जाता है कि 11 रुपये लिया, आपको रिकॉर्ड तो भी सकती है 1 रुपये लेकर के, मिल्खा सिंह की तरह 1 रुपये लेकर करती है, 11 रुपये की आपकी जरूरत क्या थी? जी ये मेहरा जी ने डिसाइड किया था कि मुझे 11 रुपये देंगे कि 1 रुपये देंगे, मैंने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, तो ही डिसाइडेड कि मैं
सोनम को 11 रुपए दे दूंगा. थैंक यू. थैंक्स एवरीवन. ये अनिल. ए अनिल.